हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आज इतना प्यारा प्यारा मौसम है और हमारे साथ है टेलीविजन की सबसे प्यारी एक्ट्रेस अस्मिता सूद। वेलकम टू टेली मसाला। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? और इतने अमेजिंग से मौसम में हम आज कहाँ आए हैं ये बताइए पहले। आज हम इतने अमेजिंग मौसम में आए हैं जुहू बीच पर एंड बहुत अच्छा ब्रीजी सा कूल कूल वेदर हो गया है। अब इतनी गर्मी के बाद हमें अच्छा सा मानसून मिलेगा इन बॉम्बे एंड वेरी एक्साइटेड। अरे मानसून आ गया है तो कितना पसंद करते हैं ये बताइए सबसे पहले। पहले मुझे मॉनसून बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मैं जब शिमला में थी तो आई नेवर यूज़ टू लाइक मॉनसून, मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद था, लेकिन बॉम्बे आके धीरे धीरे हमें भी मॉनसून से प्यार हो गया है। सो इट्स नाइस, बहुत अच्छा, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई एम लविंग इट, इट्स नाइस। अच्छा, वैसे अस्मिता मॉनसून की बात करें तो मॉनसून की एक वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है और एक चीज़ जो थोड़ी कम पसंद है मॉनसून के बारे में। मॉनसून के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि वेदर बहुत ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी रिफ्रेशिंग। जैसे अभी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बहुत रोमांटिक हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है एंड सब जगह ग्रीनरी हो जाती है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है वो है कि काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते, सो दैट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट मॉनसून। अच्छा, यहाँ देख रहे हो ब्रीज कितनी अमेजिंग है, वाटर बेबी हो आप? Yes, I love water. तो चले थोड़ा पानी में। चलो। वैसे अस्मिता, यहाँ आकर बचपन की कोई यादें ताज़ा हुई? ऑफकोर्स, बचपन में हम लोग शिमला में तो रिवर होता है, मतलब रिवर शिमला में भी नहीं होता, मनाली में होता है और बीच तो नहीं होता, बट वहाँ पे मॉनसूनस में एंड अदरवाइज ऑल्सो वी यूज टू गो फॉर रिवर राफ्टिंग एंड ऑल दैट, बहुत मज़ा आता था। और पेपर बोट्स वगैरह वी यूज टू मेक, इट यूज टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो चलिए थोड़ी आपकी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और आई हैव दिस कलरफुल पेपर्स, इसकी बोट बनाते हैं। ओके, बहुत बड़ा पेपर है, छोटी छोटी बोट बनाने में कौन सा कलर यूज़ करूँ, येलो या फिर रेड? आई थिंक येलो बहुत ब्राइट एंड नाइस है और हमारे पास सन भी नहीं है तो इसलिए हम येलो कलर की बोट बनाते हैं। So we are ready, good to go? Yes. Okay. तो ये बन गई हमारी पेपर बोट और अब हम इसको कोशिश करेंगे कि जाके फ्लोट करें, जो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इसमें, बट वी ट्राई। ये बताइए अस्मिता की नाव कौन सा मोड़ लेने वाली है? ये चीज़ तो अस्मिता को भी नहीं पता क्योंकि अस्मिता को मतलब इट्स लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता कि हमारी नाव कहाँ जाने वाली है। जैसे ये नाव कहीं चली गई, मुझे भी नहीं पता कहाँ गई, इट्स द सेम विद मी, बट आई नो कि मेरी नाव इज इन द सेफ हैंड्स, जैसे भगवान के हाथ में, सो आई एम श्योर इट्स गोना गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, फैंस को कुछ हिंट देना चाहेंगे? छोटा पर्दा होगा, बड़ा पर्दा होगा, क्या होगा नेक्स्ट? दोनों हो सकते हैं क्योंकि लुक टेस्ट तो दोनों के चल रहे हैं, बट
आई एम zipped till द टाइम दैट समथिंग कम्स इन माई हैंड बिकॉज आई एम होपफुल कि दोनों में से कोई एक चीज़ हो बिकॉज आई एम ओपन टू बोथ. सो आप बताओ आप वे यू वॉन्ट टू सी मी, वॉन्ट टू सी मी ऑन टी वी, यू वॉन्ट टू सी मी इन फिल्म, ये बता दो तो मैं अकॉर्डिंगली उसी पर जोर लगाऊंगी. चलिए लास्टली मॉनसून में कोई कुछ टिप्स देना चाहोगे किस तरह से फैंस इस मॉनसून को एंजॉय करें? सबसे पहली चीज़ तो आप मानसून में छाता ज़रूर लेके जाइए बाहर इफ़ यू डोंट लाइक द रेन, और एंड इफ़ यू लाइक द रेन देन तुम्हारी मर्जी. बट हाँ, यू इफ़ यू गोइंग टू स्कूल कॉलेज ये सब पढ़ाई कर रहे हो काम कर रहे हो तो डेफिनेटली अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मौसम बहुत बदल रहा है एंड यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और स्ट्रीट फूड मत खाओ, नो मैटर हाउ मच यू हेट इट, लेकिन स्ट्रीट फूड मत खाओ, घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ. और बी केयरफुल विद द काइंड ऑफ वाटर यू ड्रिंक, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर पियो, मिनरल वाटर पियो, फिल्टर्ड पानी पियो, पानी को घर पे उबाल के यू नो फिल्टर करके पियो. एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर. मेरे बालों के हाल देखो अभी बहुत ख़राब है, बट बाल मॉनसून में बहुत फ्रिजी हो जाते हैं तो खूब सारा कंडीशनर यूज़ करो बालों में. और स्किन के लिए अपना अगेन ध्यान रखो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ क्योंकि चाहे मौसम क्लाउडी होता है लेकिन धूप ज़रूर होती है. सो यूज़ सनस्क्रीन एंड या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल ओवर एंड एन्जॉय. चलिए आई होप आपने भी एन्जॉय किया हो ये मॉनसून इंटरव्यू विद टेली मसाला. एब्सोल्युटली. फैंस को कुछ लास्टली फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कितनी बार डिमांड करते रहते हो सबसे दैट यू नो यू वांट माय इंटरव्यूज, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट आई हैव सो मच लव एंड सो मच अफेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. और आई होप टू कम बैक सून एंड कीप यू एंटरटेन. एंड अपना ख्याल रखो, मॉनसून को एन्जॉय करो. समर्स के बाद मॉनसून आए हैं अब तो वो गर्मी से अब आपको काफ़ी रिस्पाइट मिला है. सो एन्जॉय इट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. कैमरामैन दीपक के साथ हैं अंतानी टेली मसाला.